आपका नाम क्या है? मेरा नाम आया। हमारी यहाँ पे मीटिंग थी आज, यहाँ पे 100-150 बंदा इकट्ठा हुआ था। हमने सबको बुलाया था, हमने कहा कोई बात नहीं, हम मीडिया को बुलाएंगे, यहाँ पे आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो मीडिया के जरिए हम आगे तक पहुँचाते हैं। तो मीडिया वाले यहाँ पे नहीं आए, हमने चिनैनी वालों को भी बोला, वो भी यहाँ नहीं आए, खुद वालों को बोला, वो भी यहाँ नहीं आए, उधमपुर वालों को बोला, हाँ वो भी यहाँ तक नहीं आए। क्योंकि 3 दिन पहले से मैं बोल रही हूँ, ये नहीं है कि हमने अभी फ़ोन किया तो अभी बोल दिया, 3 दिन पहले से हमने बोला ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको पानी नहीं है, इनकी पानी की सबसे बड़ी समस्या एक बोली है, 500 घर वहाँ से पानी लाता है। तो भैंसे भी इन्होंने घर पे रखी हैं, गाय भी इन्होंने घर पे रखी हुई है, बाकी कपड़े धोने के लिए वहां से ही पानी इनको उधर से ही लाते हैं बेचारे, और मतलब पानी जितना भी है वो वहीं से लाते हैं। इन्होंने पंच के पास भी ये गए, पंच ने भी इनका कुछ नहीं किया। सरपंच के पास गए तो उधर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्लॉक ऑफिस चनैनी में भी ये गए हैं, PHE ऑफिस में भी गए हैं, SDM साहब के पास भी गए हैं, इनका वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो अभी हमने सोचा कि हम मीडिया के जरिए इनकी बात आगे तक पहुँचाएंगे, लेकिन मीडिया वालों को भी उन लोगों ने खरीद लिया, मीडिया को भी खरीद लिया कि मीडिया वाले भी यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो अब मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं DC साहब से भी विनती करती हूँ, SDM सर से भी विनती करती हूँ, PHE वालों से, सभी सीनियर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो यहाँ पे खुद आए, इनकी समस्याओं को सुने और उनका हल निकाले, और उसके बाद अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो जो सजा मुझे देनी है तो वो मुझे दें। पैसे का ये मतलब नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा है वही, अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गए तो वहां इनकी सुनवाई ही नहीं हुई, वो जाएंगे कहाँ मेरे को वो बताएं। अब PHE वाला कोई यहाँ आके रहे, जय साहब कोई मैं बोल देती हूँ, वो यहाँ पे आए, इन लोगों के घर पे जहाँ ये रहते हैं यहाँ पे वो भी आके रहें, और वहां से पानी लाएं, बोली से पानी वो भी लाए, जहाँ उनकी पे काटी जाए, पे देनी ही नहीं है, सस्पेंड किया जाए उनको। ऐसे कैसे ऑफिसर हैं जहाँ फिर उनके पास परमिशन लेटर है कि वो खाली चेयर पे बैठने का लेटर है, अगर उनके पास वो हमें दिखा दें तो कोई बात नहीं, जहाँ फिर उनको सबको सस्पेंड कर दो, तो फिर ये पानी के बिना ऐसे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं वहां से लाएंगे, जहाँ फिर इनको किस कर्मों की सजा मिल रही है, कोई मकसद होता है ना पानी का भी, पानी तो सबको चाहिए, इसमें हिंदू का सवाल नहीं कि हिंदू पानी पीता है, मुस्लिम नहीं पीता है, सिख पीता है, बाकी वाले नहीं पीते हैं, पंडित ही पीता है, माशा चमार जो है बेचारा गद्दी वो पानी नहीं पीता है, पानी तो मवेशी भी पीते हैं, जब पानी के बिना बंदा 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकता, तो इन लोगों की इतनी इतनी एज होगी बेचारों की, आज दिन तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और उनके बाद अगर ये रोड ब्लॉक करते हैं, कुछ करते हैं, एम्बुलेंस में अगर कोई मर जाता है, इमरजेंसी केस कोई है, कोई मर जाता है, उसके जिम्मेवार सरकार होगी, ये जो लोग चेयर पे बैठे हैं जिनके पास ये लोग गए हैं उन्होंने सुना नहीं है, वो लोग जिम्मेवार होंगे, आगे वाला कदम फिर हम उठाएंगे। आज 150 बंदों को मीडिया ने खदेड़ किया, यहाँ पे वो नहीं आए, कोई बोलता है कि समरोली में एक्सीडेंट हो गया है, उधर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, उधर पता नहीं क्या हो गया, ट्राला उल्टा हो गया है, कोई कहता है कि हम उधर गए हैं, जम्मू गए हैं, कोई बोलता है हम उधमपुर गए हैं, कोई बोलता है हमारे पास यही आपकी वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, हमारे पास और भी बड़ा सारा काम है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जिस हिसाब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोगों की सुनाई हुई बातों पे नहीं चलें, खुद आके यहाँ पे देखें सच क्या है झूठ क्या है।